Hey everyone, welcome back. Today we'll be studying about linear dependence and linear independence. This is a very important topic. आगे भी हम जितने भी topics vector spaces में करने वाले हैं या फिर linear algebra में करेंगे, this thing is very important. So make sure that you watch the video till the very end. Okay. So let's start with linearly dependent vectors. तो अगर एक V vector space हमें दिया हुआ है, V is a vector space. Let me represent it ऐसे. ये एक वेक्टर स्पेस है और यहाँ पे कुछ वेक्टर्स होंगे, राइट? सो वी वन वी टू सो ऑन टिल वी एन वेक्टर्स दिए हुए हैं. सिमिलरली ये एक फील्ड है और यहाँ पे स्केलर्स दिए हुए हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन तक. अब डेफिनेशन आगे है दैट अगर सारे यहाँ पे जो अल्फाज हैं वो ज़ीरो नहीं हैं देन इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. तो यहाँ पे ये जो अल्फाज हैं ये ज़ीरो हो सकता है, मान लेते हैं कि ये भी ज़ीरो हो सकता है. एक और अल्फा थ्री वी थ्री ले लेते हैं, पर कोई एक ऐसा ले लेते हैं कि ये जो अल्फा थ्री है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और अल्फा एन भी ज़ीरो है. मतलब कहीं ना कहीं एक भी अगर इसमें स्केलर जो है अल्फाज अगर वो हमें नॉन ज़ीरो मिल जाए तो ये सारी जो हमने कॉम्बिनेशन लिखा है या फिर अगर कोई सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. सो ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री एंड डी वी फोर को ज़ीरो के इक्वल कर दिया हमने. ए बी सी डी क्या है? ये सारे स्केलर्स हैं और जो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर है ये सारे वेक्टर्स हैं. रिमेंबर दैट जो स्केलर है अगर कोई भी स्केलर नॉन ज़ीरो है, राइट? हमने स्केलर को बताना है कि कोई एक नॉन ज़ीरो है. वेक्टर ले लेते हैं टू थ्री फोर बी, वी टू ले लेते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो, सी वी थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो और डी वी फोर ले लेते हैं ज़ीरो ज़ीरो वन. इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. मल्टीप्लाई करते हैं ए वन से पूरा ये ब्रैकेट, सो ये हो जाएगा टू ए थ्री ए एंड फोर ए. सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा बी ज़ीरो ज़ीरो, सी ये हो जाएगा ज़ीरो सी एंड ज़ीरो एंड लास्ट विल बी ज़ीरो ज़ीरो डी. दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू ज़ीरो. अब फर्स्ट एलिमेंट हर एक ब्रैकेट का ले लेते हैं, ठीक है? एक्स एक्सिस में होगा ये. सो दिस विल बी टू ए प्लस बी प्लस ओके दिस इतना ही बचेगा. सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म विल बी थ्री ए प्लस सी, लास्ट टर्म विल बी फोर ए प्लस डी. ये हमें टर्म सारी मिल गई ज़ीरो के इक्वल, राइट? अब क्या करना है, देखो इसको आई कैन राइट दैट टू ए प्लस बी जो है वो है ज़ीरो के इक्वल. सिमिलरली थ्री ए प्लस सी भी ज़ीरो के इक्वल है. इट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ऐसे भी हो सकता है, बट वन थिंग ओनली. और जो लास्ट है फोर ए प्लस डी वो भी है ज़ीरो के इक्वल. अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो बी है बी को आई कैन राइट माइनस टू ए, सी को आई कैन राइट माइनस थ्री ए एंड डी को आई कैन राइट माइनस फोर ए. अब ये बी सी और डी क्या हैं? ये सारे स्केलर्स थे. अब ये स्केलर किस पे डिपेंड हो रहे हैं? टू ए पे, थ्री ए पे और फोर ए पे, माइनस फोर ए पे, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो, ये है नॉन ज़ीरो. जो ए है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जो बी है वो भी ज़ीरो नहीं आया, सी भी ज़ीरो नहीं आया, डी भी ज़ीरो नहीं आया. तो ये सारे स्केलर्स जो हैं ये हमें ज़ीरो मिल ही नहीं रहे हैं, ये किसी एक स्केलर पे डिपेंड कर रहे हैं. जो ए है एक स्केलर है, ठीक है? बी सी और डी डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन ए, ए पे डिपेंड कर रहे हैं. तो अगर किसी भी स्केलर पे सारे बाकी सारे जो स्केलर्स हैं वो डिपेंड कर जाएं तो आई कैन से वो लीनियरली डिपेंडेंट है कॉम्बिनेशन, या फिर वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है? यहाँ पे हमें स्केलर्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं मिली है, राइट? अब देखो स्केलर्स की वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई हमें ऐसा मिल जाएगा जो कि नॉन ज़ीरो है. अब बात आती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की, ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है. लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होगा, पढ़ो. यहाँ दिए कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन द वेक्टर्स वी वन वी टू सो ऑन टिल वी एन को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे तब अगर यहाँ पे सारे स्केलर्स जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे. सारे स्केलर्स ज़ीरो हैं, अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन टिल अल्फा एन, ये सारे ज़ीरो होने वाले हैं.
ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखो यहाँ पे आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको वैसे क्लियर है, बट देखो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ले लूँ अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू एंड अल्फा थ्री वी थ्री तो वो जीरो के इक्वल है. तो अगर मैं बोल दूँ कि जो अल्फा वन वी वन जो अल्फा वन है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अल्फा वन वी वन को एक साइड रखते हैं और ये हो जाएगा माइनस अल्फा टू वी टू माइनस अल्फा थ्री वी थ्री. ठीक है, तो जो वी वन है वी वन को आई कैन राइट माइनस अल्फा वन सॉरी अल्फा टू बाय अल्फा वन वी टू एंड सिमिलरली हो जाएगा अल्फा थ्री बाय अल्फा वन वी थ्री. जो वी वन वैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है एक दूसरे वैक्टर पे. अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें ऑपोजिट हैं. तो यहाँ पे हमने बोला कि सारे जो स्केलर्स हैं वो जीरो होने वाले हैं, वहाँ पे कोई एक स्केलर नॉन जीरो था, यहाँ पे सारे जीरो हैं. सो इसमें आई कैन से दैट एक एग्जांपल लेंगे बहुत सिंपल सा. वी वन को आई से इट इज़ टू जीरो जीरो, वी टू ले लेते हैं जीरो थ्री जीरो, वी थ्री जीरो जीरो माइनस फोर. ठीक है, अब ये हो जाएगा अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री जीरो के इक्वल. वी वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, हो जाएगा अल्फा वन टू जीरो जीरो अल्फा टू जीरो थ्री जीरो और अल्फा थ्री हो जाएगा, अल्फा थ्री के साथ हो जाएगा जीरो जीरो माइनस फोर, ये हो जाएगा जीरो के इक्वल. अगेन मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा वन से, हो जाएगा टू अल्फा वन राइट, बाकी तो जीरो ही रहेगा. देन ये हो जाएगा जीरो एंड थ्री अल्फा टू जीरो एंड लास्ट में जीरो जीरो लिख देते हैं एंड ये हो जाएगा जीरो जीरो माइनस फोर अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो. अब फर्स्ट टर्म अगर सबके ले लेंगे ये हो जाएगा टू अल्फा वन राइट, टू अल्फा वन एंड ये जीरो कुछ भी नहीं बचेगा. सो टू अल्फा वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, थ्री अल्फा टू भी जीरो के इक्वल हो जाएगा और माइनस फोर अल्फा थ्री भी जीरो के इक्वल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज अल्फा वन क्या हो जाएगा, अल्फा वन जीरो हो जाएगा, अल्फा टू भी जीरो हो जाएगा और अल्फा थ्री भी जीरो हो जाएगा. यहाँ पे हमें सारे स्केलर्स जो हैं ऑल स्केलर्स आर जीरो, सारे स्केलर हमको जीरो मिल गए. ठीक है, ये होते हैं स्केलर्स, सारे स्केलर जीरो मिल गए. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बी वन जो बी स्केलर था वो भी जीरो नहीं था, सी वो भी जीरो नहीं था, डी वो भी जीरो नहीं था, तो वो किसी स्केलर की वजह से नॉन जीरो हो गए. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे स्केलर्स हमको जीरो मिल गए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ वन. अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो मिल गया तो वो लीनियरली डिपेंड कर जाता है. सारी गेम स्केलर की होती है, अगर एक भी नॉन जीरो स्केलर है तो इट इज़ डिपेंडेंट. रिमेंबर दिस, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाला है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट. इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं, वील डू इट इन द फर्दर वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.